अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज हमसे हमारे साथ है हनीफ अबड़ो और सनाउल्ला अबड़ो, है ना? और आज हम जा रहे हैं भिटशा भिटाई पे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको आज बहुत ही बड़ा मंजर दिखाने वाले हैं, तो ठीक है, जुड़े रहिए। अभी हम सेखाट की साइड पे थोड़ा रुके हैं, थक गए हैं यार, धूप भी लगी पड़ी है, अभी थोड़ा ठंडा पी रहे हैं, पोली जूस पी रहे हैं। सो भिटशा एक सिटी है, छोटा सा ज़िला मटियाली सिंध पाकिस्तान में वाक़ है। ये सिंधी सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह के मज़ार के मकाम के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने इस शहर का नाम अपना दिया था। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह सिंध के सरपरस्त आला 18वीं सदी के सूफी बुज़ुर्ग और शायर थे, और उनका शुमार सिंधी ज़ुबान के अजीम शायरों में होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम भिटशा पहुंच चुके हैं, तो सुनो कैसा लग रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ तो दिल गार्डन गार्डन हो रही है। और आपको? हम फर्स्ट टाइम आए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, आगे घूमेंगे इंशाल्लाह। चलो चलो चलते हैं आगे। रिक्शा तो हम पहुंच चुके हैं, पर यार बाइक पे आए हैं इसलिए फेस तो फ्रेश करना लाजमी होता है, इसलिए देख रहे हैं आप हम कैसे फेस कर रहे हैं। और गर्मी में पानी मुंह पे आए तो क्या यार, क्या बात। देख लो पानी अपने हाथ में, ये बंदा देखो, ये बंदा बहुत मज़ेदार है, ये वाला हमको ड्राइविंग क्योंकि हम इसकी बाइक पे आए हैं, इसलिए। और उनका उर्स मुबारक मनाया जाता है। वो एक बुज़ुर्ग और रूहानी आलिम और हर दौर के शायर थे। हमने दुआ भी मांग ली है, फातिहा पढ़ ली है, और यहाँ पे साईं के साइड में ये जो आप कब्रिस्तान देख रहे हैं, ये बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है, इसको कुछ ही सालों में चेंज किया हुआ है और टाइल्स से बनाया गया है। और आप जब भी यहाँ आए तो हम आपको वो भी सुनाएंगे सूफ़ी कलाम, यहाँ का वो बहुत ही मशहूर है।
साई खुद वो सुनाते सुनाते थे, पढ़ते थे। सुनने के लिए आया जी, वो आप सुनेंगे, आपको भी इंशाल्लाह मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छा होता है सुनने के लिए। और उन्होंने अपनी शायरी सिंधी ज़ुबान में मुनफरिद जायके के साथ तरतीब दी। देखो ये बंदा कैसे अपनी तस्वीरें अकेले अकेले निकाल रहा है, हमें सलाह भी नहीं मार रहा। हमने जो निकालने थे, हमारा छोटा मोबाइल है, गरीबाना मोबाइल है हम। अच्छा छोटा मोबाइल है, हाँ हमारा तो बड़ा मोबाइल है, हाथ में नहीं आ रहा हमारा, जंबो वाला मोबाइल। हाँ ये देखिए आप, इनको क्या बोलते हैं कि अलम पाक, इनमें कुछ बना हुआ भी है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं करीब से। भाई लोग अस्सलाम वालेकुम, ठंडा तुम्हारा अभी अब सलाम हो रहा है और क्या यार, गुड बाय। और ये पहली बार यार, आज तो यार मौसम भी बहुत सुहाना मौसम है दोस्तों, अच्छा है। वैसे गर्मी बहुत होती है, आज इतनी गर्मी नहीं है। एनानी सोनू आया है, सोनू फर्स्ट टाइम आया है, हम भी ये लोकेशन कैसी है सुनो, बहुत अच्छी है, बहुत VIP है यार, जबरदस्त मजेदार। अभी तो लोकेशन बाकी है यार, क्या अभी दिखाते हैं। यार लोकेशन तो बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे साईं जन हज़रत साहब का स्केच बना हुआ है, आर्ट्स बना हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं चारों तरफ से पानी ही है, और बहुत ही यार मज़ेदार लोकेशन है। आप जब भी भिक्षा आएँ तो इस लोकेशन पे ज़रूर आएँ, आपकी वीडियो भी अच्छी आएंगी और आपके फ़ोटोज़ भी अच्छे आएंगे, हमारी ये गारंटी है, सही है। अभी हम घूम के आए हैं, वीडियो भी बना के आए हैं,
और पिक्चर्स भी ले ली है। और अभी हम वापसी जाएंगे और रास्ते में देखेंगे कोई होटल अगर अच्छी लगी तो खाना भी खाएंगे। और ये बंदा हमें खिलाएगा, हमारा वो क्रेडिट कार्ड है। नहीं आ, नहीं ये हमारा सेठ है, सेठ लोग हमारा एटीएम यही है। नहीं नहीं ये हमारा दोस्तों सिर्फ भी कुर्बान है खाना। और हाँ एक बात मैंने आपको पूछा था कि पेट्रोल हुकूमत ने बढ़ाया है उसके लिए आप क्या बोलेंगे अनिल भाई? भाई बस हुकूमत की मर्जी, हम तो दोस्तों पे लुटा रहे हैं, जितना करेंगे 500 का लीटर चलेगा। अच्छा दोस्तों पे लुटा रहे हैं और क्या, अपना काम तुम्हारा नहीं होता? दोस्तों को घुमाने के लिए हम मजे में, अब मजे में हम इसका क्या है, मैं इसकी बाइक पे घूम रहे हैं, बाइक पे क्या है। तो हम रास्ते रास्ते में ये सोच रहे थे मटियारी की आइसक्रीम मशहूर है तो हम मटियारी की आइसक्रीम भी खा लें। ये रही हमारे सामने मटियारी की आइसक्रीम, ये तीन लोग हैं तो तीन हमने मंगवाई है। ये बच्चा भी खा रहा है, ये बच्चा हमारा छोटी बच्ची हो क्या? हाँ छोटी बच्ची हो क्या, कभी आओ तो खाना ज़रूर, खाना ज़रूर। हाँ ये बहुत ही अच्छी है, वैसे गर्मी में तो आइसक्रीम खानी चाहिए है ना। अभी हम खैर से जामशोर पहुँचे, जामशोर में रिंद होटल पे हम खाना खा रहे हैं। ये बंदा शुरू करके बैठा है, हमसे शुरू में खा लिया है इस बंदे ने। तुम भी खा लो तो तुमको दावत है, दावत है, दावत दे रही हो सबको? हाँ सबको दे रहा हूँ, सारे दोस्तों को दे रहा हूँ। हाँ भाई आप सुन रहे हो कि ये सबको दावत दे रहा है कि आप भले आओ यहाँ पे, तो भले आके खाओ, मैं मिल दूंगा इंशाल्लाह। हाँ जब भी आना सर मुस्का लगाना, हम खुद पहुँच जाएंगे। खाना भी नहीं देखा और इसलिए शुरू कर दिया है। जब ये मुंह में डाले तो शुरू कर चलो।